चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। रामपुर जनपद में जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बसा रामपुर जनपद की 6 तहसीलों में एक, जनसंख्या के दृष्टिकोण से रामपुर के बाद जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर टांडा। मुरादाबाद को बाजपुर होकर नैनीताल से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर मुरादाबाद से लगभग 25 किलोमीटर सफर तय करने के पश्चात रामपुर जनपद की सीमा में प्रवेश करके टांडा का शहरी क्षेत्र प्रारंभ होता है। पूर्व समय में यह रामपुर रियासत का भाग था। आजादी के पश्चात यह स्वार तहसील के कस्बे के रूप में पहचाना गया। कुछ वर्षों पूर्व ही रामपुर एवं स्वार तहसील के कुछ भागों को जोड़कर टांडा तहसील का सृजन किया गया था। वर्तमान में टांडा के शहरी क्षेत्र में 64,000 की विशाल जनसंख्या निवास करती है। मुरादाबाद की ओर से टांडा शहर में प्रवेश करने के पश्चात बादली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुरादाबाद बस स्टैंड एवं अनेकों प्रतिष्ठानों से होते हुए टांडा शहर के केंद्र बिंदु मैन चौराहे पर पहुंचा जाता है। यह चौराहा टांडा का सबसे व्यस्त एवं मुख्य चौराहा है। यहाँ मुरादाबाद की ओर टांडा का कोतवाली का परिसर स्थित है। मुख्य चौराहे से दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाली मुख्य सड़क रामपुर रोड के रूप में पहचानी जाती है। इसी मार्ग पर टांडा का तहसील परिसर स्थित है। तहसील परिसर से थोड़ा आगे दाएं हाथ पर राजकीय इंटर कॉलेज का भव्य परिसर स्थापित है। रामपुर रोड दक्षिण पूर्व की ओर लालपुर स्थित कोसी नदी से होकर जिला मुख्यालय रामपुर की ओर प्रस्थान कर जाता है। मुख्य चौराहे से उत्तर पूर्व में नैनीताल रोड को सदर बाजार के रूप में भी पहचाना जाता है। मुख्य सड़क पर दोनों ओर अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। टांडा में बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। मुख्य सड़क पर मोती मस्जिद स्थित है। मोती मस्जिद के निकट ही मीना बाजार चौराहा स्थित है, जहां से बाएं हाथ की ओर मीना बाजार प्रारंभ होता है। मीना बाजार भी टांडा के मुख्य बाजारों में गिना जाता है। यह बाजार दक्षिण की ओर घूमकर तहसील के निकट रामपुर रोड पर जुड़ जाता है। नैनीताल रोड उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए सदर बाजार के रूप में जामा मस्जिद के निकट से होकर गुजरता है। टांडा में पूर्व समय में एक सिनेमाघर भी संचालित होता था, जो दर्शकों की कमी के कारण लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। नैनीताल मार्ग पर ही टांडा का नगरपालिका परिषद कार्यालय भी स्थित है। टांडा रामपुर जनपद की 4 नगरपालिकाओं में एक है। नगरपालिका से थोड़ा आगे नैनीताल मार्ग पर भव्य शिव मंदिर परिसर स्थित है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना हेतु एकत्रित होते हैं। नैनीताल मार्ग यहां से उत्तर पूर्व में नवीन मंडी के निकट से होकर दढ़ियाल बाजपुर होकर नैनीताल की ओर प्रस्थान कर जाता है। टांडा आना, इसे कैमरे में कैद करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। टांडा शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो टांडा एवं इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।